लो ये आ ही गए 7 बजे का बोल के 8:15 बजे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ के लिए। सो जस्ट अपने अपनी सिटी को क्रॉस ही किया है तो पहुंच जाएंगे 4.5 घंटे में। और अभी मेन हाईवे पे भी नहीं गए इसलिए गाड़ी इतनी हिल रही है। सारे की हाल चाल सब दा जी? हिंदी 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 ओह सॉरी काट दी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबका? हो तुम आप सब बढ़िया होंगे? तो जैसी आप कुछ कहना चाहोगे, सत श्री अकाल वगैरह कुछ यही कहना चाहोगे? चलो इनकी तरफ से सत श्री अकाल। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ और हमारे साथ एक ये बंदा भी है, पता नहीं रास्ते में चला जा रहा था, हमने सोचा रास्ते में लिफ्ट दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू सर लिफ्ट देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो इसी खुशी में ये बंदा आज हमें पार्टी करेगा क्योंकि हमने इसको लिफ्ट दी। तो ये पार्टी में हमें कुछ ना कुछ खवाएगा। क्या खवाओगे भैया? सर गाड़ी से उतार दो मुझे, मैं बस से चला जाऊँ। नहीं बस में नहीं भैया, जब ने गाड़ी में बैठा लिया हमने उतारेंगे। तो फाइनली हम मलसिया पहुंच चुके हैं इसी रास्ते पर। आप सभी के कान के पर्दे सलामत हो गए मुझे उम्मीद है, ऐसी तो इस बात को इग्नोर करना। 103 रुपए मोदी। तो जैसा कि मैंने बताया था कल वाले ब्लॉग में, हम जा रहे हैं चंडीगढ़ पीआरपी के लिए कमल की। तो इसकी जो खेती है वो अच्छी तरह से फसल उग जाए, इसे खाद वगैरह देने जा रहे हैं ताकि इसका हे ट्रांसप्लांट जो है सक्सेसफुल रहे। तो 3 PRP करवानी है, ये सेकंड है, 1 महीने बाद एक होती है और तीसरी होगी अगले महीने। तो बस 3 PRP के बाद कोई PRP और करवाने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक मतलब मस्त चीज़ है, आपको करवानी पड़ेगी। मस्त नहीं बोला मैंने, मस्ट बोला, तो जो कि करवानी ही पड़ेगी अगर आपने हेयर ट्रांसफ़र करवाया है। तो यार ये चीज़ ज़रूरी है। तो मतलब बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, हम वहाँ चंडीगढ़ से जब इसकी PRP होगी पहले तो ट्राई करेंगे कि कोई डॉक्टर मान जाए थोड़ा सा हमारे बताने के लिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं हमें। मेरे ब्लॉग जितने भी हेयर ट्रांसफ़र डाले, कमल के ब्लॉग हमने डाले, सभी में कमेंट्स आते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी आते हैं कि आप हमें हेयर ट्रांसफ़र के बारे में बताओ, किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट है। तो ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है, बाकी जो भी क्लैरिफाई है हम कर देंगे, वहाँ जाकर देखते हैं चंडीगढ़ किसी बड़े लोकेशन रुक के सबको बताएंगे। फिलहाल तो जो है अभी रास्ते में है हम ही, अभी तो बहुत 4 घंटे की ड्राइव बाकी है, अभी 4 घंटे। और कमल एंड जस्सी दोनों ने अपना व्लॉगिंग चैनल जो है सोच लिया बनाने का, तो आज शूट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं ये कि किस तरह से बनाए, लगे हुए हैं अपनी अपनी मस्ती में। तो दोनों ही लगे हुए हैं अपना ट्राई करने व्लॉग। ये देखो अपना व्लॉग स्टार्ट कर रहा है, तो ये अपना व्लॉग शूट कर रहा है तो अभी जस्सी का भी दिखाएंगे, जस्सी भी करेगा अभी थोड़ी देर में, इसका तो अलग ही लेवल चल रहा है व्लॉगिंग का, तो दिखाएंगे जब जो शूट करेगा। बाय द वे हम हाईवे पे आ चुके हैं और तो अभी जस्सी व्लॉगिंग शूट कर रहा है अपनी, ये देखो। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी है फगवाड़ा। बद की हो गया। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है यार, ये जो पुल है ना, काफ़ी देर से फ्लाईओवर 5-6 साल से ये बनी रहा था, ज़्यादा ही हो गए, 6 साल से भी ज़्यादा, अब जाके कंप्लीट हुआ है और आज पहली बार इस पुल पर हम चढ़े हैं। तो ये बहुत ही अच्छा हुआ, इसका जो नीचे वाला रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है बता नहीं सकता। अभी हम रुके हैं इस ढाबे पे अपने चाय नाश्ते के लिए, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, जो अभी है टाइम 10 बज चुके हैं और अभी तक हम जो है जस्ट फगवाड़े से निकले, 3.5 घंटे की ड्राइव हमारी अभी भी बाकी है। और ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, ये लेट, सबसे लेट ये 8 बजे आया ये, तो जब मैंने इसे कॉल किया 6:30 उठा ही था, तो ये अंदर से अभी गुस्से में पूरा, ये इसकी वजह से देखो, ये गाली देना चाहता है लेकिन फैमिली घर में खा लेता हूँ, रास्ते में तंदूरी हो गया, ये मतलब बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, इन्होंने बहुत कुछ डाला था तो बहुत ही दिल करता। ये दोनों भी बाहर अपना फोटो शूट कर रहे हैं, मैंने कहा चलो करने दो, चलो देख के आते करते क्या है। ये इनका फोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे लगे हुए हैं दोनों, पता नहीं इतनी फोटोस का करते क्या हो तुम लोग यार। तो यहाँ पे व्यू जो है वो है हरा भरा, खेतों से भरा, फ़ोटो अच्छी आएगी तुम्हारी। और गर्मी आज यार ज़्यादा है, हमने सोचा था कि बादल है, सुबह बादल रहेंगे, बट बादल आया नहीं अभी, तो अभी जो है कैप्टन है। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि धूप बहुत तेज़ निकली है और टाइम अभी जो हुआ है जस्ट अभी 10:20 हुए हैं और अभी जो धूप है इतनी ज़्यादा हो गई है
की बर्दाश्त से बाहर है। यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ब्लॉगिंग कर रहा, तो गर्मी लग रही है मुझे बहुत, तो ये इनको नहीं लग रही, पता नहीं फोटोज वगैरह खींचते रहते हैं ये दोनों। तो यार 10:20 हो गए, हम यहीं पे धक्के खा रहे हैं अभी, और अभी हमारी जो है 3 घंटे की ड्राइव बाकी है, तो चंडीगढ़ 1:30 तक पहुँचेंगे हम, तो सिर्फ जर्सी की वजह से इतना लेट हो गए। तो मैंने वैसे भी आपने जितने ब्लॉग पहले देखे आपको पता ही होगा कि ये करते क्या हैं, ये हमेशा ऐसे करते हैं कि 6 बजे का बोला तो 7 बजे निकलेंगे, 7 बजे का बोलेगा तो 8 बजे निकलेंगे। तो इनका यार ऐसे मुझे पता था, तो आज मैं भी 6:30 ही उठा, 7 बजे जाना था, 6:30 में उठाई, पर मैं नहा धोकर 7 बजे से पहले रेडी हो गया था, तो अपने चाय कॉफ़ी पी रहा था, तो इनका किसी का कॉल नहीं आया, तो कॉल कर करके कर करके 8 बजे तक ये निकले वहाँ से। तो देखो यार इतना टाइम यहीं पर हो गया। ओ यार पराठा देखो कितना बड़ा, मोदी के लालच से भी बड़ा पराठा है यहाँ का आलू वाला। चलो भाई अब अपना नाश्ता पानी तो हो गया, अब सीधा चंडीगढ़ जाके रुकेंगे। ओ जी हूँ ड्राइवर हो गया चेंज, ते साडा पहला ड्राइवर सी जा, हमारा जो पहला ड्राइवर है वो दूसरी साइड चला गया, क्योंकि पीछे बैठने वाला, क्योंकि वो थक चुका था, इसलिए हमारे अब संजू ड्राइवर पहुंच चुके हैं, अब यही गाड़ी चलाएंगे। तो आप गाड़ी चलाने वाले हैं तो ध्यान से चलाना और ध्यान आगे रखना, कुछ बातें याद रखना, कैसे कैसे क्या क्या क्यों क्यों क्या क्या, चुप बिल्कुल चुप, समझ आई नहीं आई कोई बात नहीं, अपने आप चलो। सो मैंने अभी आधा घंटा ड्राइव करी गाड़ी, तो अब बारी है जस्सी की, ये दोबारा से करेगा या कमिल करेगा, तो मैं अभी थोड़ी देर रुक के फिर दोबारा करूंगा। तो ये रश वाला जो है निकल जाए सिटी, उसके बाद तो लो जी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं हम, ये रहा सामने चंडीगढ़। तो टाइम जो हो रहा है अभी 12:15, तो फिर भी टाइम पे पहुंच गए, लेकिन 12:15 यही पहुंचे, अभी रिवाइवा तक जाते जाते हमें 1 बज जाएगा। देखो लो जी फाइनली पहुंच ही गए हम गिरते पड़ते। तो हर बार की तरह कमल और जस्सी अपना मास्क भूल गए थे, तो इन्होंने रास्ते में मास्क लिया, तो जस्सी का मास्क तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो कमल का मास्क है ना वो मतलब अल्टीमेट है, अलग ही लेवल का, तो वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये देखो इसका मास्क मास्क कम चड्डी ज्यादा लग रहा है यहाँ तक मास्क है इसका ये क्या सोच के लिया था ये क्या था कैसे ये नाक तक पिनोकियो। हमने जस्सी के लिए ये वाली साड़ी देखी है रेड वाली, तो ये जस्सी को लेकर देंगे हम, जस्सी बहुत अच्छा लगेगा इसमें। सोलो पहुंच गए, तो अभी चले अंदर। काम चल रहा है अभी जो है हमारी पीआरपी हो गई है, और एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ यार, हमें एक सब्सक्राइबर इसकी, हाँ मेरी, तो एक बहुत ही कमाल की बात ये है कि भास्कर बहुत ही कमाल की बात थी वो ये हुई कि हमें एक सब्सक्राइबर मिला हमारा रिवाइवा क्लिनिक में, तो उसने कमेंट भी किया था, और कमल के साथ भी उसकी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी कि वो जो है एयर ट्रांसफ़र के बारे में पूछ रहा था कुछ, तो वो मिला हमें, तो उसने ना पहले कमल को पहचान लिया, उसने मैं गया हुआ था वाशिंग, तो इसे पहचाना, तो ये बोला कि मैंने आपका ब्लॉग देखा था, तो आपको पूछा भी था, मेरा ही मैसेज आया था आपको इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं गया, तो मुझे बुलाया था सर आपके ब्लॉग देखा, उसने बोला तो उसमें देखा था रिवाइवा के बारे में पूरा जो है, तो उसके बाद उसने भी एयर ट्रांसफ़र ये से करवा लिया। सो वही बहुत खुशी है, पहली बार कोई मतलब जो हमें नहीं जानता वो ऐसा बंदा मिला जो हमारा सब्सक्राइबर है ऐसे लाइव, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ, एक रॉयल सी फीलिंग आई तो लगा वाह भाई बहुत अच्छा लगा, चलो ऐसे मिला ऐसे लोग पहचानने लगेंगे धीरे धीरे, बड़े ब्लॉगर वाली फीलिंग आ गई एक बार, है ना यार ब्रो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे भाई कौन आ गया मुझे बुलाने तो ये मेरे कन्फ्यूज है यार कौन बंदा देखा नहीं कहीं, मतलब मैं कहा ये किससे बात कर रहा है, उसे हेलो मिला रहा है, मैं शायद जानता होगा, कि फिर मैं जब गया इसके बाद तो वो बोला कि भाई मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ, तो रिवाइवा क्लिनिक है आपके ब्लॉग के थ्रू ही पता चला था, तो मैं कहा यार ठीक है थैंक यू सर सो मच, तो बहुत ही अच्छा लगा यार। अब जो हम है निकल चुके हैं लेक के लिए, तो हमारा अभी टाइम है 3:15 हुए हैं, तो हमने सोचा थोड़ी देर जो है लेक पे टाइम बिता लेते हैं, थोड़ा बहुत ब्लॉग वगैरह बना लेंगे फोटोज़ खींच लेंगे, तो जैसे ही बोला कि चलो निकलते हैं अभी लेक के लिए, तो होप कोई पिछली बार की तरह लेक बंद ना हो और इस बार लेक ओपन हो, तो लग तो ऐसे रहे ओपन ही है, बाकी जाकर ही पता चलेगा, तो ओपन हुई तो अच्छी बात है, थोड़ा फ़न कर लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट घर आएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट चंडीगढ़ पहुँचे थे और वहाँ भी 2 घंटे लग गए हैं रिवाइवा में, तो अभी जो है टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि 3:30 घंटे की घर की ड्राइव भी है हमारी,
तो उतना टाइम उधर को भी चाहिए, तो फिर अंधेरे होने से पहले पहुंचना है। तो होप कि अभी लेक खुली हो। यार जितनी सफाई चंडीगढ़ में है ना, अगर इतनी सफाई पूरे इंडिया में हो जाए और रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल चंडीगढ़ की तरह हो जाए, तो यार बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ सुधार हो सकता है। सो द गुड न्यूज इज अभी खुली है लेक, तो चलो लेक पे चलते हैं यार, फाइनली मौका मिल गया आज। तो ये रही सामने अपनी लेक, लेकिन उससे पहले इनको लगी है भूख, और भूख के खाएंगे कुलचे, फिर खाएंगे आइसक्रीम जो वहाँ पे है। तो ये दो चीजें अभी मेन्यू में है, बाकी रेस्टोरेंट में जाके देखेंगे। तो कुलचा अभी शुरू करने वाले, तो मैंने तो अभी शुरू नहीं किया, ये बुखर देखो आधा खा भी गया। सो अभी हम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, झील के अंदर, तो ये मार्केट स्टार्ट होती है यहाँ से। तो बहुत ही अच्छी मार्केट है, हम तो बाहर से पेट थोड़ा सा भर के आए, हमें लगा यहाँ पे कुछ होएगा नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ ना। तो ये देखो कहाँ चले गए दोनों मुझे छोड़ के, तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मुझे नहीं पता था, जस्सी को पता था ये बात, पर बोला वो भी कुछ नहीं। सो लो जी हम पहुँच चुके हैं लेक में। यहाँ पे स्केच आर्टिस्ट भी होते हैं यार। सो यहाँ पे आप अगर लेक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऐसे बोट चलाने को मिलेगी, पैसे देकर, फ्री नहीं ऑब्वियसली, तो यही चीज है बस। तो यार व्यू तो बहुत अच्छा है, देखो क्या बात है, मतलब मजेदार चीज है, आना चाहिए यहाँ पे। तो बस लेक ही है ये, बाकी बस आपको छोटी मोटी मार्केट मिलेगी, खाने पीने की चीजें, और हाँ मास्क जरूर पहन के आना वरना। सो हम ऊपर चढ़े हुए थे यहाँ पे, तो पुलिस वाले ने बोला भी नीचे उतर जाओ गिर जाओगे, तो हम उतर गए, तो फिर आगे आके वीडियो बना रहे, तो अब नहीं चढ़ते ठीक है। एक्चुअली इन्हें जो है यहाँ पे ना वार्निंग लगा देनी चाहिए यहाँ पे कि चढ़ना मना है, या फिर आगे कोई ग्रिल्स लगा दो यहाँ पे, पर ये इंडिया है, यहाँ कोई भी पक्का काम नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं है यहाँ पे। बस ऐसे पुलिस वाले दो दिन खड़े कर देते कि भाई सारा दिन लगे रहो, कहते रहो नीचे उतरो नीचे उतरो, ये नहीं कि पक्का काम करे। हालांकि कोई डरने वाली बात नहीं है, ये देखो यहाँ से कैसे गिरेंगे आगे, ये चीज़ आती है, तो ये अलाउ नहीं है, बट ये अलाउ है सीढ़ियों में बैठना, जो कि सीढ़ियाँ नदी में लेके जाती है, ये अलाउड है यहाँ पे। आई लव माय इंडिया। सो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा अगर आप लेक पे आते हो यहाँ पे, तो सफाई तो काफ़ी रखी हुई है, ये तो कमाल की बात है। वैसे चंडीगढ़ है सफाई तो नॉर्मल बात है यहाँ पे। तो ये जस्सी और कमल खड़े हैं यहाँ पे दोनों, ये देखो। हेलो, इफ यू डोंट माइंड तो आपकी एक फ़ोटो खींच लें। वहाँ से शुरू होती है लेक, तो ये पूरा रास्ता जो है वहाँ तक देखो कितना आगे तक जाता है, बहुत ही मज़ेदार जगह है, चलो आगे चलते हैं। इट्स फील्स लाइक वी आर ट्रैकिंग हेयर, स्टॉप फॉर चेकिंग ट्रैफिक पुलिस CHD, मतलब चंडीगढ़। तो ये कहाँ जा रहा है, देखो कमाल अपना व्लॉगिंग करने लगा हुआ है यहाँ पे। तो अभी हमने गिम्बल ऑर्डर करा है, तो वो 2 अगस्त तक आएगा, उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत शेक होता है ये भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास होगा अपना गिम्बल, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे शेकिंग जो होती है ना वो नहीं होगी। तो यार यहाँ पे मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो अच्छा हुआ हमने रास्ते से मास्क खरीद लिया ये आने से पहले, तो मुझे आदत है बिना मास्क के मैं जाता नहीं, तो मेरे पास जो कपड़े वाला था दूसरा वो अच्छा नहीं लग रहा था, व्लॉगिंग में भी अच्छा लगता, मैंने कहा सर नया मास्क लेता, तो लेकर आया ये वाला मास्क, तो पावर रेंजर लग रहा हूँ मैं, इधर से फूल जाता है। और यहाँ पे गुड बात ये है कि चालान काटते हैं पुलिस वाले, इसलिए हम बच गए, वरना 500-600 का ठुकता चालान, एक लड़की का हमारे सामने काटा चालान। वाह इधर से व्यू तो काफ़ी अच्छा है यार, क्या बात है, बादल भी आज काफ़ी हैं, शुक्र है कि धूप कम है, बादल हवा जाते हैं पाछली बीच में तो गर्मी लग रही, और व्यू बहुत ही अच्छा है यार। हालांकि पानी जो है साफ नहीं है, बट व्यू अच्छा है, सभी फोटोग्राफर्स आ जाते हैं यहाँ, सफाई भी अच्छी है, और जहाँ आगे तक चलते चले एंड तक जाके आते हैं। इसके मास्क तो यहाँ पे उतार नहीं सकते, ये पहन के रखना पड़ेगा, तो फोटो कोई कैसे खिंचवाएगा अपनी, तो आजू बाजू में देखते हैं लोग, जब पुलिस वाले नहीं होते तो हल्का से मास्क उतार के फटाफट फोटो खींच के फिर पहन लेते हैं, हर यहाँ सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। बैठ तेरी फोटो खींचा कमल जस्सी बैठ। तो हर ग्रुप में एक बंदा होता है ना, हर एक ग्रुप में एक बंदा होता है जो बहुत ही बढ़िया पिक्चर खींचता है, वो बंदा मैं हूँ, और बाकी के सब निकम्मी फोटोज खींचते इतनी, तो मैंने अभी जस्सी की फोटो खींची आपने देखी इतनी अच्छी थी ना, तो अभी मेरी जैसे सेम उसी पोज में फोटो खींची वो देखो कैसी है। तो ये जस्सी बिल्कुल टट्टी फोटोग्राफर है, बिल्कुल टट्टी। पेड़ देखो ये कितना बड़ा, रास्ते में आधा नदी में जा रहा है आधा इधर है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस झील के सामने देखो ये पहाड़ दिख रहे हैं कितने अच्छे लग रहे हैं, तो शिमले के पहाड़ हैं ये,
तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हम गए थे शिमला 4 महीने पहले, याद है ना, तो काफी पहाड़ इधर से भी दिखते, देखो ध्यान से देखो, पीछे की पीछे पहाड़ी पहाड़ है, पूरे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, क्लियर वेदर है यहाँ से। सफाई यहाँ पे तो बहुत रखी है, बट जो नदी है ना, नदी में बिल्कुल भी सफाई नहीं है लेक में, ये देखो। वैसे अगर इसका नाम ही लेक पे रखा है, लेक के लिए लोग आते हैं, तो इसे साफ क्यों नहीं करते यार? मतलब इतने पेट्रोल महंगे किए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, कुछ ऐसा भी ढंग का काम कर लो जो याद रखे दुनिया थोड़ा बहुत। तो जस्सी की थोड़ी बेइज्जती करने का फायदा हुआ, इसने बढ़िया फोटो खींच दी एकदम मेरी। तो अब ये टट्टीग्राफर नहीं है, अब ये फोटोग्राफर है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर विजन दिख रहा है हमें पहाड़ों का, क्लियरली पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, धूप है ना इस कारण। तो ये देखो, वो पीछे वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं, पीछे के पीछे के पीछे वाले पहाड़ भी दिख रहे हैं। अभी इस तरफ जो है लोग इतने ज्यादा नहीं है, तो बस कहीं कहीं पे लोग हैं, तो जितनी भी भीड़ है ना वो उस तरफ है, वो देखो जहाँ से हम आए हैं इस तरफ। तो इधर घूमना अच्छा है यार, भीड़ वाले इलाकों से बेटर इधर है। हाँ, इधर कोई आपको शॉप नहीं मिलेगी खाने पीने वाली, बट वो कैसे चाहिए, यहाँ घूमने फिरने पहले बाद में खा लेना। तो यहाँ पे अच्छा लगता है आगे। तो लेक की इस वाली साइड इतनी ज़्यादा शांति है ना, मुझे यहाँ पे माइक की ज़रूरत भी नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, धीरे बोल रहा हूँ और बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शोर नहीं है, इतनी ज़्यादा शांति है। तो मैंने बाइक जो अपना माइक है वो बैग में डाल लिया है, उसकी ज़रूरत नहीं है माइक ट्राइपॉड की, तो ऐसे शूट कर रहा हूँ, इतनी शांति है यहाँ पे। अभी जो टाइम है वो 4:15 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि हमें जाते हुए भी 3.5-4 घंटे लग जाएंगे, तो अभी जल्दी निकलना है, वरना और टाइम स्पेंड करते यहाँ और उस तरफ भी जाते, बट अभी जो है नहीं जा सकते, तो वापस घर के निकल रहे हैं, जल्दी पहुँच रहे हैं। सो वी आर गोइंग बैक नाउ, बैक टू आर कार एंड देन बैक टू आर होम। आजकल लोगों का भला करने की अभी टाइम नहीं है, तो ये और गर्मी लग रही थी इसे, तो ये थका हुआ था, तो पीछे विक्स की गोली बनाई हुई है इसने, ये देखो। तो मैंने कहा आ जा, कनेडी चढ़ जा मेरी, अभी कॉम्प्लीमेंट करने लगा, थैंक यू आइडिया देने के लिए। क्या इधर देख पे क्या है, थैंक यू आइडिया देने के लिए, पहले ये बात बता कौन सा एसी लगा रहे पीठ पे, पीठ पे एसी की नहीं बात, तो कम चलेगा, कम गर्मी लगेगी, लॉजिक समझ साइंस का, साइंस नहीं पढ़ी स्कूल में? ओ नहीं, ये लड़के के जैसे क्यों कर रहे है? और ये देखो एक अपना आने वाला भविष्य का ब्लॉगर अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, और ये देखो बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं हर जगह। तो ये देखो साफ रोड है यहाँ सारी की सारी, वहाँ पे कचरा फेंका हुआ है, ये देखो कौन बेवकूफ उठा तारी, शाबाश डस्टबिन उड़ा, चलो और आगे हरे वाला वो देख वहाँ फेंक देना। तो ये गया जस्सी फेंकने, शाबाश क्या बात। आप वो वाले रास्ते को भूल जाएंगे जब आप इस रास्ते में आएंगे, ये देखो हरा भरा बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। तो कमल लेके आए यहाँ पे, बहुत ही शुक्रिया इसका, उस रास्ते से तो कहीं अच्छा ये लग रहा है अभी। अभी हम निकल रहे वापस घर की ओर, लेकिन भूख लगी है पहले, तो मैंने बोला पहले चलो यहाँ खाते, ये बोल रहा है कमल बोल रहा है कि नहीं चंडीगढ़ से निकल के खाएंगे, तो भूख बहुत लगी है, मतलब सुबह से कुछ हमने ढंग का खाया नहीं है जिससे पेट भरा हो, तो बस अभी चंडीगढ़ से निकल रहे। वैसे और घूमना था यहाँ पे, लेक के एंड तक जाके आना था हमें, बस अभी जो चक्कर पड़ा ये टाइम कम है, 4:15-4:30 हो चुके हैं यहाँ पे, तो यार सुबह ही लेट चले, फिर सारा कुछ लेट हो गया, फिर बस अभी घर जा रहे वापस, और क्या इसकी वजह से लेट हुए हम, इसकी वजह से तो ये बस अभी तो बोलता रहे जो बोलना, तो 7 बजे तो अभी घर के और निकल रहे हैं, तो 7 बजे पता चला, चलो फिर अभी निकलते गाड़ी की और जा रहे हैं, कुछ रास्ते से ले लेंगे यहाँ से खाने पीने के लिए, भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है। लो जी पहुंच गए अपनी गाड़ी में, सो लेट्स गो नाउ, तो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं अभी, चुके हैं और यहाँ पे जो है बारिश स्टार्ट हो गई है, तो धीरे धीरे करते करते काफी तेज बारिश स्टार्ट हो गई है। तो ये देखो व्यू, तो बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई हटी है, तो और भी हो रही है, अभी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे पानी आना स्टार्ट हो चुका है हमारी गाड़ी में, तो और तेज हो गई है बारिश, चंडीगढ़ से निकलते ज्यादा तेज है। ऑटो वाले भैया रेस लगाओगे? तो ये देखो बारिश हो रही है और साथ में धूप भी निकली है बिल्कुल तेज, तो बचपन में हम कहा करते थे जब ऐसा हो ना धूप निकली पे बारिश हो तो गिद्दड़ और गिद्दड़ी की शादी होती है, तो आज वो ही है, देखो इतनी तेज धूप निकली है और बारिश हो रही है। जस्सी बोल रहा है कि ये टोर्नेडो है ये वाला, तो मैंने बोला पंजाब में तू चला जा, जा आग बुझा लागे, तो ये टोर्नेडो बता रहा है इसे, लेकिन ये
पंजाब में ऐसे कोई बताओ टोर्नेडो नहीं आते यार। अभी चंडीगढ़ से निकल चुके हैं हम और अभी ढूंढ रहे हैं एक ढाबा खाने के लिए कोई रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और मैं अभी जितना रास्ता पड़ा है तो अभी हमारी कम से कम 2.5 से 3 घंटे की ड्राइव बाकी है, तो अभी किसी रेस्टोरेंट में रुकेंगे अगर खाने को मिला भी तो। तब तक मैं सोचा अपना व्लॉग एडिट कर लेता हूँ, तो अभी जो है व्लॉग हम यहीं तक ही शूट करने वाले हैं, मतलब चंडीगढ़ रूट के गाड़ी गाड़ी में ही। तो घर जाके मैं शूट नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है कि मैं व्लॉग को गाड़ी में ही एडिट करके निपटा दूं और घर जाके मैं अपनी दूसरी वीडियो साला काम कर लूं जितना भी टाइम बचता है, तो वो भी थोड़ा मैनेज करना है। आज सुबह जल्दी आ गए तो इसलिए कुछ कर नहीं पाया। वो बारिश तो देखो यार कितनी ज़्यादा बारिश होने लगी यहाँ पे, इतनी तेज़ बारिश वो एकदम से अचानक से शुरू हो गई। संजू बोल रहा है भी एक्सीडेंट हो गया, पर ये एक्सीडेंट नहीं है क्योंकि ट्रक को साइड पे खड़ा किया हुआ है, उसकी बैटरी बदल रहे हैं, बस यही बात है। और हम तो बारिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि बारिश का मौसम, ये मौसम की बारिश। अभी फाइनली एक ढाबा मिला है, लास्ट टाइम यहाँ चंडीगढ़ में रुके थे ये वही ढाबा है, तो खाना खाते पहले पेट भरते हैं। हेलो हेलो। तो इस पप्पी को मैंने थोड़ा सा बेसन लेके डाला, सारा खा गया बेचारा, भूखा था, तो ऐसे और कुछ लेके देते रोटी वगैरह, बिस्किट तो है नहीं यहाँ पे। तो आज ऑर्डर करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है यार, मतलब कोई कुछ खाना चाहता नहीं है, कोई कुछ नहीं खाना चाहता, कोई कुछ खाना चाहता है। जैसे मुझे तो सब कुछ पसंद है, लेकिन कमल को मशरूम पसंद नहीं है तो मशरूम कैंसिल करे सारे। जस्सी को ना कोई जैसे पालक वाली चीज़ ये कोई पसंद नहीं है, वो भी कैंसिल करी। तो हमारा कुल मिला के मतलब शाही पनीर, हमने तो ये सीखा है कि शाही पनीर ऑर्डर करो ही मत, क्योंकि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जिन्हें शाही पनीर अच्छा बनाना आता है, तो हमने वो करे नहीं ऑर्डर। तो अब जो हमने 15 मिनट की भैंस के बाद जो ऑर्डर करा है वो ये है, एक तो चना मसाला और बटर नान, और इसके अलावा एक दही करा है हमने, और एक चीज़ चिल्ली कर दी, फिर और कुछ मिला नहीं। चीज़ चिल्ली के साथ ही खाना खा लेते तो लिया, तो मतलब ये चीज़ों के साथ खाना खाई ये ऑर्डर करे 15 मिनट भैंस करने के बाद। तो लो जी हमारा ऑर्डर आ चुका है, चना मसाला, मिक्स रायता एंड चीज़ चिल्ली, तो बस गार्लिक नान रह गए और फिर हम टूट पड़ेंगे, बहुत भूख लगी है। चलो ये हमारे गार्लिक नान भी आ चुके हैं, अभी यार भूख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो खाना पेट भर के खा लिया, अब एनर्जी भी आ गई है। सो अभी जो है हम बिल्कुल फ्रेश है, तो नींद आ रही थी पहले वो भी नहीं आ रही, तो मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को ये पे एडिट करके एंड कर दूँ, और नहीं पहले एंड करके फिर एडिट करूँ, तो और फिर मैं फ्री हो जाऊँगा फिर घर पर जाके। मतलब अभी हमें जो है 7 बजे हैं, 9:30 बज जाएंगे घर जाते हुए, तो यही भी अगर ब्लॉग मैं कर दूँगा एडिट, तो बैटरी काफ़ी लैपटॉप की बची है अभी, तो यही भी एडिट कर दूंगा तो काफ़ी टाइम बचेगा। तो इस ब्लॉग को ये एंड करते गाइस, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, तो मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 8 बजे, तब तक लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ते साडे वालों भी सत श्री अकाल, टाटा बाय, आदाब, ये वालों सुखी जी, टाटा बाय।